हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आरबीआर क्लास में तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं इस क्वेश्चन में हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं बाय क्वाड्रेटिक मेथड तो ये एक बेसिकली क्लास की मैथ से लिया गया है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन है इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आप बस ध्यान से देखिएगा चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे इसको बाई क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व करना है सोल्यूशन ऑन कंपेयरिंग ए uh, एक्स we प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वी है तो यहां से हम इसको कंपेयर कराएंगे सो ए इज इक्वल टू टू बी इज इक्वल टू माइनस सेवन सी इज इक्वल टू थ्री ओके बाय यूजिंग क्वाडरेटिक फॉर्मूलाट इज द क्वाडरेटिक फार्मूला जिन लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ठीक है ओवर टू ए

2 to the 4. Okay. So now here 7 plus minus 49 minus 24 become 25 over 4. So further I solve it. x is equal to 7 plus minus a square root of 25 become 5 over 4. So this plus minus means first i take the value at positive sign and second i take the value at negative Fine. sign like 7 plus 5 upon 4 and 7 minus 5 upon 4 so x is equal to 7 plus 5 become 12 upon 4 and here 7 minus 5 become 2 upon 4 so this upon 1 means nothing so this only become 3 ओके सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स मीन्स एक्स इज इक्वल टू थ्री कॉमा वन बाई टू सो आवर फाइनल आंसर इज दे आर फोर द रूट्स आर थ्री एंड वन बाई टू दिस इज आवर आंसर ओके इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन इट आर टेक अ स्क्रीनशॉट. So I hope, guys, I tried to learn anything from this video. If you like this video, you press the like button, share to your friends. If you first time visit our channel, you subscribe it also. Okay? We meet in the next video with next question. Till then, jai Hind.